नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के मंगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरा गांव में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है, जहां रामसूजन विश्वकर्मा के खेत में जुताई के दौरान पौराणिक मूर्तियों की शिला पट्टिका निकली है, जो गांव व आसपास के ग्रामीणों में आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहाँ ग्रामीण जनों के साथ ही आसपास के लोग पूजा पाठ करने वहाँ पहुँचने लगे हैं। दस मिनट 15 मिनट के आराम हो जाए, टंका के देख ले जाकर देखा रे फूल इनका चौरी इनका पूरी इनका सब पर पूजा जो हो जाए इनका गरीब मंदिर बना जाए इनके हमारा समथन का जो काल नवासी है भाई जो बन जाए नवासी का पहले पहले बन जाए चाहिए नवासी इनका जन्मार हो जाए चाहिए यार ऊंचे में रही साधा मैया ऊंचे में रहती है उनसे सरपंच सब जवान करा सरपंच बन ब्रामा रास्ता बंद न कर था का सबका आवाज जो आई सरपंच नहीं कह सकता पब्लिक का नहीं तो जोर उनका ज्यादा कहाँ जाता है अब पब्लिक सब जोर कहीं सब चल रहा है इकट्ठा कहीं सब बनवाई है मंत्री यहाँ है इनका हो जाए सब आज इनके द्वारे इनके दर्शन आएगा हाँ जानकारी के मुताबिक लगातार दिन भर सैकड़ों भक्तगण पूजा पाठ करते हुए फल फूल के साथ ही दक्षिणा भी चढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों में लालमन पटेल, मोतीलाल पटेल, महेंद्र पटेल, सुखेंद्र पटेल, अमित कुशवाहा समेत कई ग्रामीण लगातार वहां उपस्थित रहते हैं। ग्रामीणों की माने तो पंडा बुद्धसेन पटेल को मां शारदा सिरोधार होकर बोली हैं कि इसका मंदिर बनाकर यही मूर्ति पट्टिका की स्थापना की जाए। वहीं ग्रामीणों की बातों पर गौर करें तो वहां पहुंचे लकवा और हाथ पैर के बाद के मरीज वहां पहुंचते ही ठीक हो गए। दाग न लागी चाहे चाहे गाँव कहा घर के चाहे कहाँ के हो कहाँ को दाग न लागी दाग लागी हमारी बदलाव नहीं हुई कहाँ कुछ न लागी उनका सब काम हो जाए सब पब्लिक कराए सरपंच यज्ञ हो जाए सब पब्लिक कराए जाकर जहाँ आवत ऊपर सब मदद पाए के संबंधित बदलाव में नवरात्रि के पहले पहले 6 महीना को दिन जाला 6 महीना के अंदर उनका स्थापना कही जाए और जब तक नहीं होते यहीं रहे जब तक नहीं हो तब यहीं रहे कहाँ न जाए ये भीड़ लगा ना ये करो ना ये नहीं चल रहा है 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 ये नहीं चल रहा है